आप समझिए, देखिए आपका क्वेश्चन क्या था कि प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम क्या होती है। देखिए रियली में हमारे बॉडी में जो है ना इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र का काम जो है ना इसका होता है, रुधिर कोशिका का होता है। हमारे शरीर में आप देखिएगा, सुनो तो हमारे शरीर में याद कीजिए कि ब्लड यानी कि रक्त बोला जाता है, ब्लड या रक्त। जनरली रक्त में आप देखिएगा तो रक्त का दो पार्ट होता है, जिसका एक भाग का नाम प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा लगभग ब्लड में आपको यानी रक्त में 55% होता है। जितना ब्लड होता है उसका 55% रक्त होता है और उस 55% को आप निकाल दीजिएगा तो जो सेकंड भाग बचता है 45% बचता है। प्लाज्मा 55% और आपका रुधिर कितना हो गया 45%। तो जो प्लाज्मा होता है ना उसको हम लोग प्लाज्मा की याद रखिएगा तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या है? तरल पदार्थ है। इसका कलर हल्का पीला होगा। कलर इसका क्या होगा? हल्का पीला। याद रखिएगा पूरा नहीं, हल्का पीला। ऐसा नहीं कि एकदम सबके ड्रेस ऐसा, हल्का पीला। और ये याद रखिएगा कैसा भाग होता है? तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, तरल भाग। आपसे एक नंबर के सवाल कह सकता है कि ब्लड के तरल भाग को क्या बोला जाता है? तो प्लाज्मा। और बाकी जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है रुधिर या रुधिर। मैंने आप देखेगा तो ब्लड होता है, रुधिर मैंने ब्लड, लेकिन यहाँ पास रुधिर नहीं, रुधिर कोशिका है। रुधिर कोशिका यानी ब्लड सेल है। ये क्या है? आपका ब्लड सेल है यानी बीसी है। ब्लड सेल या कभी कभी इसको सेल के जगह पे कणिका भी बोल देते हैं, यानी कोशिका के जगह पे कणिका। तो ब्लड का दो पार्ट प्लाज्मा और रुधिर। तो प्लाज्मा हल्का पीला होता है, जो तरल होता है। इसकी आयतन आप देखिएगा तो ब्लड का लगभग 55%, आधा से अधिक यही होता है। और उसके बाद दूसरा पार्ट होता है ये आपका रुधिर होता है, यानी कि रुधिर कोशिका, नोट रुधिर। रुधिर केवल नहीं होता, रुधिर कोशिका होता है जिसे ब्लड सेल बोला जाता है। ये आपका तीन तरह का होता है, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डब्ल्यूबीसी। देखिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी इसका पूरा नाम देखिएगा तो इसका क्या होता है? लाल ब्लड कोशिका यानी कणिका, या आरबीसी का यानी रेड ब्लड सेल। और इसको देखिएगा डब्ल्यूबीसी को तो व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिका। और ये आपका प्लेटलेट्स होता है, या इसको लोग रुधिर प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, यानी ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि बीपी। अब बीपी वाला मत समझिए, ब्लड प्रेशर वाला नहीं, बीपी। इसको फिर गड़बड़ा जाए, छोड़ो। क्या है आपका? रुधिर प्लेटलेट्स है। अब इसमें समझिए कि हमारे शरीर में जो है ना कोई भी रोगाणु घुसता है तो जिस दिन घुसेगा उसी दिन हम लोग डायरेक्टली बीमार नहीं पड़ जाते हैं। तो हम लोग को बीमारी से बचाने वाला जो तंत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो बताइए तो कि ये जो स्किन है, ये स्किन हमें बीमारी से बचाता है? जी नहीं, यानी कि लड़ने का काम ये नहीं करता। तो जो लड़ने का काम करता है, फाइटिंग का काम करता है अंदर में, उस तंत्र को बोला जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्रतिरक्षा तंत्र में हम लोग, प्रतिरक्षा तंत्र में रुधिर कोशिका आता है, रुधिर कोशिका। तो रुधिर कोशिका में भी जाइएगा तो मेनली आता है डब्ल्यूबीसी, मेनली डब्ल्यूबीसी। अब इसमें समझिए कि होता क्या है कि सबसे पहले अगर कोई रोगाणु प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में जाएगा, तो शरीर में जाएगा तो ब्लड में प्रवेश करेगा। और ब्लड में मौजूद होता है ये दोनों चीज, प्लाज्मा और रुधिर। तो प्लाज्मा का तो एक काम ही नहीं है कि रोगाणु को पकड़ेगा, पकड़ेगा जी नहीं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं मॉल उल में, तो आपको सिक्योरिटी चेक करने का काम किसका होता है? जो गार्ड होता है। आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो ट्रेन में, तो वहां जो पुलिस बल होती है, फोर्स होती है, उसका काम क्या होता है? आपका सिक्योरिटी जांच करना, ना कि टिकट जांच करना। टिकट के लिए स्पेशल बहाली किया जाता है टिकट जांच करने वाले टीटी को। तो आप वहां समझ सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए होता है तो ब्लड में दोनों चीज। तो क्या ये प्लाज्मा आपको जांच करेगा कि कौन रोगाणु है? जी नहीं, सबको जाने देगा, जाइए सबको जाने देगा। लेकिन जैसे ही अंदर जाएगा तो इसमें अगर मान के चलिए कोई ब्लड में कोई रोगाणु आ गया, तो रोगाणु को खोजेगा कौन कि ये रोगाणु है या नहीं? तो खोजने का काम करता है आरबीसी, यानी आरबीसी पकड़ करके लावेगा, आरबीसी पकड़ करके लावेगा कि रोगाणु है। अगर पकड़ करके ले जाएगा, मारेगा नहीं, पकड़ करके ले जाएगा और दे देगा अपन भाईवा के डब्ल्यूबीसी के। और डब्ल्यूबीसी के क्या है? ले लाइट कुट तो कुट, और डब्ल्यूबीसी रोगाणुआ के कूट देगा ना। अब कूट देगा अच्छा से, तो बताइए तो कि डब्ल्यूबीसी कूट काट के ठीक कर दिया तो कचरा फैल गया कि नहीं? तो कचरा को कौनो ना कौनो निपटाएगा ना, तो निपटाने का काम करता है कूट काट के, जब तैयार कर देता है तब कहता है कि आप तू चल जाए, करा भेजू ले प्लेटलेट्स, ले लू तुरा खा ला।
यहाँ भेज देगा और प्लेटलेटस एकरा क्या कर देता है, निपटा देता है। सुनो आप फिर से एकरा डाउनलोड करवाते हैं, टेंशन कुछ लेना है, एक बार में टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, कीटाणु यानी सॉरी रोगाणु, रोगाणु के पहुंचा देगा किसके पास, WBC, WBC अगर धार के दम चटनी बना देगा और चटनी बना के केकरा भेज देगा, प्लेटलेट्स खाओ के इसको निपटा देगा, पचा देगा। तो बताइए ना कि मेनली अगर देखा जाए तो ये हम लोग के अंदर में रोगाणु से बचाने का काम कौन करता है ये, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेचारा ये सब बीमार पड़ जाता है या कमजोर पड़ जाता है। तो कमजोर पड़ जाता है या मान के चलिए कि रोगाणु को पहचान नहीं पाया, और नहीं पहचान पाया तो ये एकरा पास भेजेगा नहीं भेजेगा, और नहीं भेजेगा तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या पड़ जाते हैं, बीमार। तो अचानक से हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, अचानक से हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। तो अचानक बीमार नहीं पड़ते हैं, या अगर हम लोग बीमार पड़ गए तो उसमें गलती किसका होता है, एस का, यानी कि RBC इसको नहीं दिया होगा। RBC अगर एक दे देता तो इस धर को कूट देता, WBC उसको कूट देता, और WBC अगर कूट देगा तो ये बेचारा कुछ तो खाए का काम ना करता है। ये खाए का, जैसे घर में आप भोजन बनाओ तो भोजन बनाने में अलग की गलती है, जैसे बाहर से अगर कोई, जैसे घर में आप देखिएगा तो जैसे पुरुष आपको पूरा सामग्री लान के दे देगा, पूरा सामग्री दे देगा, तो ये निर्भर करता है कि आपके घर में रसोईया यानी कि कुकीज है वो कैसन है। अगर वो बकलोल मिल गया तो वो गाना गा देगा, है ना, वो गड़बड़ा देगा, बताइए वहां पास गड़बड़ हो जाएगा। आप देखिएगा तो वहां पास क्या कर देगा, वो गड़बड़ कर देगा। तो इसमें क्या कर गलती है, पुरुष को थोड़ा ना गलता है, पुरुष की गलती नहीं, वो पहुंचा देगा किसका, रसोईया का। यहाँ जैसे बना बना देगा तब ना खाएगा फिर वो, और उसके बाद टेस्ट लेगा कि खाए में कैसा लगी, तो प्लेटलेट्स इसको क्या करता है, खा हो जाता है। तो आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि RBC यानी कि आप मेनली आप ऐसे समझिए नॉर्मली कि हमारे अंदर में जो रोगाणु से लड़ने का काम करता है वो कौन करता है, तो ब्लड सेल करता है, ब्लड सेल करता है। ब्लड सेल आपसे पूछ देगा कितना तरह के, तो वो आपका मेनली तीन तरह का होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट। आपको पूछ देगा कि RBC का काम क्या होता है, तो RBC का काम होता है कि यह रोगाणु को क्या करे, पकड़ ले, पकड़ करके भेज ले, इसको दे देगा, इसको कूट देगा, कूट करके तो भेज देगा प्लेटलेट्स के पास, और प्लेटलेट्स इसको खा जाएगा, और खा जाएगा तो इस तरह से रोगाणु का क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा, रोगाणु आपका मर गया। आप यहाँ से समझिए कि प्लेटलेट्स जो होता है ना, इसका कलर लाल होता है, रेड ब्लड सेल, और रेड होने का इसका मेनली कारण है कि एक पाया जाता है लौह, लौह लौह समझ में आता है, लोहा। तो ये लोहा आप देखिएगा तो जनरली अगर RBC पुरुष वाला है तो ये 14-16 ग्राम मिलेगा, और यही वाला अगर RBC महिला वाला है तो वो जनरली 12-14 ग्राम मिलेगा, 12-14 ग्राम। तो देखिएगा कि पुरुषों का जो आयरन लोहा मैंने आयरन, तो वो जो पुरुषों का आप देखिएगा ना, तो यही वजह से लड़कियों की तुलना में उसका हाथ पैर थोड़ा ज्यादा टाइट होता है। आप एक लड़की का हाथ पकड़िए, एक लड़का का हाथ पकड़िए, दोनों में आपको बहुत अंतर मिलेगा। तो इसका मेनली कारण क्या होता है, ये लोहा। लड़का एक मुक्का मार देगा केकरो ना तो बहुत चोट लगेगा, लेकिन लड़के से मारेगा तो उतना चोट नहीं लगेगा। तो उसका मेन कारण होता है लोहा, यानी कि Fe होता है। तो जितना कसके आप लड़का को मारे हो उतना ही कसके यदि आप लड़की के मारिएगा तो लड़का के जितना चोट लगेगा उतना से ज्यादा चोट किसको लग जाएगा, लड़की का लग जाएगा। तो उसका मेन कारण क्या होता है, ये आयरन। तो आयरन लड़कियों में कितना होता है, मात्र 12-14 ग्राम, जबकि लड़कों में यही बढ़ करके 14-16 ग्राम हो जाता है। और इसकी अगर लाइफ की अगर बात कीजिएगा RBC की, RBC जीता कितना दिन रहता है, तो RBC जीवित रहता है 120 दिन औसत है। टोटली हम कितना लिखे, एवरेज लिखे, ठीक है। अब किसी किसी का ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब एवरेज एक देखिएगा कितना होता है, 120 दिन। तो आपसे एक नंबर के सवाल में आप पूछ रहे कि RBC की लाइफ कितनी होती है, तो एवरेज 120 दिन। WBC यानी कि ब्लड व्हाइट ब्लड सेल का, तो इसका आप देखिएगा तो नॉर्मली कितना दिन होता है, लगभग 60 दिन, किसी का 60 से ज्यादा होगा, किसी का कम भी होगा। तो मेनली आप देखिएगा तो एवरेज हम सब बता रहे हैं कितना होता है, 60 दिन। और जबकि सबसे कम होता है प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का लाइफ मात्र 5-7 दिन होता है, 5-7 दिन। तो इस तरह से हमारे अंदर में जो रोग तंत्र होता है, यानी सॉरी इम्यून सिस्टम होता है, वो काम करता है, समझ में आ रही बात। हमारे अंदर में जो रोगाणु को निपटाने का काम करता है वो सब क्या है, आपका रुधिर कोशिका, रुधिर बताइए तो आप, रुधिर कोशिका यानी BP ब्लड सेल BC जो है वो कितना प्रतिशत, 45
ठीक है, आप बताइए प्लाज्मा कितना प्रतिशत पूरे ब्लड में, होल ब्लड में जल की मात्रा कितना? 95 सही है, जल की मात्रा 95, और उसमें देखिएगा तो 55% क्या होता है प्लाज्मा। बताइए कि रक्त के तरल भाग को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा, और जो कान होता है कान वाला भाग को क्या बोला जाता है? गुहिर कोशिका। ठीक है, हम लोग को रोग से लड़ने के लिए कौन सहायता प्रदान करता है? रुधिर कोशिका। रुधिर कोशिका, इस रुधिर कोशिका में मेनली कौन भूमिका निभाता है? डब्ल्यूबीसी। मेनली कौन निभाता है? डब्ल्यूबीसी। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको मोटी बात में कहूँ राइट कर दीजिए या उसके बगल में राइट कर दीजिए।